सत श्री अकाल जी सारे नूं। जिवें आपां मैं दो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा, एक पंजाब पॉलिटी दी ते दूसरी पंजाब हिस्टरी दी। पंजाब हिस्टरी दे मैं सारे सवाल एक होर वीडियो चे बना के अपलोड किए। इदां ही पंजाब पॉलिटी दे भी मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम दी एक वीडियो बनाऊंगा। बट उस तो पहला आपां पंजाब पॉलिटी बहुत ही बेअंत एक सब्जेक्ट है जिदा अंत नहीं, इस करके थोड़ी प्रैक्टिस वास्ते मैं एक पहला सीरीज़ लैके आ रहा जिंदे च मैं तुहानूं लगभग 100+ क्वेश्चन कराऊंगा पंजाब पॉलिटी दे, ते नाल नाल प्रीवियस ईयर वाले भी तुहानूं एक होर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो पहला प्रैक्टिस सैशन कर रहे हैं, तो इन्हें जो प्रैक्टिस करांगे फिर प्रीवियस ईयर तुहानूं भेजूंगा, तुसीं देख लिया जे तुहानूं उहदे नाल कुछ फायदा हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे सवाल करके हमेशा फायदा ही हुंदा है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। अज्ज वाली वीडियो मैं तुम्हें 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तो इदा 30 करके आप 3 या 4 वीडियोस से ये पूरे सवाल खत्म करांगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। इसका सवाल मोस्ट ऑफ द लोग गलत लगा के आते हैं, 5 साल लगा के आते हैं, पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई इसकी कोई हद नहीं, मुख्यमंत्री के कार्यकाल की कोई भी हद नहीं होंगी। कारण मुख्यमंत्री का कार्यकाल 0 तो लैके 5 साल तक जिन्ना भी हो सकता है, जिनी देर तक उनकी विधानसभा में बहुमत रहेगी, तो अगर उनकी बहुमत टूट गई तो 5 साल तो पहला भी खत्म हो सकता है। अगर ये सवाल होंदा कि मुख्यमंत्री का अधिकतम कार्यकाल कितना होंदा, तो उनका आंसर आना सी 5 साल, बट कुछ पूछा नहीं गया सही तरीके नाल। कार्यकाल क्या है, तो इन्हां विचों उनकी कोई हद नहीं होंगी, और 0 तो लैके 5 साल तक जिन देर मर्जी, मतलब चाहे 0 ईयर्स टू लैके 5 ईयर्स तक वो रह सकता है, 5 साल तो बाद भी रह सकता है। अगर वो अगली बार फिर इलेक्शन जीत जाए तो वो बहुमत अगर बनती रहेगी, जिवें हुण अगर इलेक्शन हो अगली बार फिर कांग्रेस सरकार आ जाए तो 5 साल तो बाद हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नूं सौं कौन दवांदा है। तो मुख्यमंत्री नूं सौं कौन दवांदा, तुसीं पढ़िया हैगा, तुसीं राज्यपाल दी नियुक्तियां दी पावर्स पढ़िया होणगी, नियुक्ति शक्ति हुंदी, तो उस दे विच लिखिया गया कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री नूं नियुक्त करता है, तां राज्यपाल मुख्यमंत्री दी नियुक्ति करता है। ठीक है जी, अगला किसी भी राज दा मुख्यमंत्री बनने लई घट तो घट किन्नी उम्र चाहीदी है। देखो, किसी ने अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उनके कोल जो योग्यता है वह होनी चाहिए लोकसभा का मैंबर बनने की, तो लोकसभा या सॉरी विधानसभा का मैंबर बनने लिए अगर मुख्यमंत्री है, तो अगर प्रधानमंत्री तो लोकसभा का मैंबर बनने की उनके को योग्यता होनी चाहिए। तो अपन पता है विधानसभा का मैंबर बनने लिए कितनी साल उम्र चाहिए है, 25 साल उम्र चाहिए है। तो मुख्यमंत्री लिए आंसर क्या है, 25 साल, प्रधानमंत्री लिए भी 25 साल, राज्यसभा का मैंबर आता था 30 साल, विधान परिषद आता था 30 साल, और अगर पूछा जाता राष्ट्रपति तो 35 साल, उपराष्ट्रपति तो 35 साल। ठीक है, ये सारी याद रखनी है। मैं दोबारा बोल रहा, मुख्यमंत्री लिए 25 साल, प्रधानमंत्री लिए 25 साल, क्योंकि लोकसभा लिए भी 25 साल है, तो विधानसभा लिए भी 25 साल है। अगर आंदा राज्यसभा ते विधान परिषद फिर आना सी 30 साल, तो अगर आंदा राष्ट्रपति ते उपराष्ट्रपति फिर आना सी 35 साल। ठीक है जी, अगे करते हैं आपां, राज दे एडवोकेट जनरल किस नूं जिम्मेवार हन। सेम गल उही आपां पहलां पढ़िया सी कि जिहड़े राज दे एडवोकेट जनरल, उन्हां दी नियुक्ति कौन करदा है, राज्यपाल करदा है। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल पहला हुंदा कौन है, जो सरकार वल्लों केस लड़दा है। जिवें आपां देखने कदे एक डिपार्टमेंट ते आपां केस ला दिंदे आ, कोई पेपर वास्ते केस लग जांदा है, तां कोई सरकार वल्लों या डिपार्टमेंट वल्लों जिहड़ा बंदा केस लड़दा है उन्हां दे जिहड़ा हैड हुंदा उहनूं एडवोकेट जनरल कहा जांदा है। जिहड़ा इंडिया दे सुप्रीम कोर्ट च सरकार वल्लों केस लड़दा उहनूं अटॉर्नी जनरल कहा जांदा है। तां इहदी नियुक्ति कौन करदा है, राज्यपाल, इस करके इहदा आंसर आएगा राज्यपाल, जो ऑप्शन च नहीं है तो इहदा आंसर आएगा राज्यपाल। ठीक है जी, ये जरूर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लिख जरूर लिया जी, राज्यपाल गवर्नर। ठीक है जी, अगला देखते हैं आप, संविधान के किहड़े भाग में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर च आ चुका है। जो संविधान के भाग तीन से मौलिक अधिकारों बारे दिता है, मौलिक अधिकार किहड़े भाग तीन से 12 तो लैके 35 नंबर आर्टिकल तक ने, अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, भाग तीन में दिता गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, राज सरकार दी सारी कारवाइयां किस दे नाम ते कीतियां जांदियां। देखो, अगर राज सरकार दी गल है तो जिन्ना भी काम है वह राज्यपाल दे नाम ते कीता जांदा है। किस दे नाम ते कीता जांदा है, राज्यपाल दे नाम ते कीता जांदा है। ठीक है जी, अगला करदे आं, किहड़ा देश तो मौलिक अधिकार लए गए ने। देखो, आपां हर एक चीज़ जदों संविधान बनाया गया सी कुछ ना कुछ किसी तो लिया गया सी, जिवें अगर आप देखे जाइए कि US उतों आप की लिया अपने मौलिक अधिकार ले, DPSPs वो आप कितों ले, आप आयरलैंड तो ले ने, तो आप हर एक चीज़ किसी ना किसी तो लई हुई है। तो जिहड़े मौलिक अधिकार ने वो आप कितों ले ने, वो आप USA अमेरिका तो लाए हुए हैं। ठीक है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं
ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ 3 ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 35 ਤੱਕ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ 32 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਣ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਆਏਗਾ? ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 14 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ 40ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 'ਚ, 41ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 'ਚ, 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 'ਚ, 44ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 'ਚ। ਕਿਸ ਸ਼ੋਧ 'ਚ? 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 'ਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 86ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ, ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਸੀ ਜਦੋਂ 86ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 2002 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਗ 4A ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਸੋਰੀ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 31 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 1978 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ? ਦੇਖੋ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 12-35 ਸੀ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੈ 51A, ਅਨੁਛੇਦ 51A, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 51A ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 25-28, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 25, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਛੇਦ 19 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ? 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਕਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ, ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 21A ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 21, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
राइट टू ओपरचुनिटी अपन मिलता अनुच्छेद नंबर 16 से, ताकि सारिआं नूं बराबर मौके मिलन रोज़गार दे। जदों आपां अपलाई करते हैं या जॉब लैन जाते हैं तो सारे बराबर मौका दिता जाता है सरकार वालों, वो किस दिता अनुच्छेद 16 से दिता है। अगला, किहड़े दिन ते संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनुखी अधिकार बारे इसकी सर्वव्यापकता की पुष्टि की सी। आप मनुखी अधिकार दिवस वैसे कदों मनाने 10 दिसंबर को, तो अगर तुम्हें नहीं भी आता फिर भी पता होना चाहिए जो 10 दिसंबर कदों है सैकेंड ऑप्शन से, तो पहली बार सर्वव्यापकता इनू संयुक्त राष्ट्र ने कदों दी सी, 1948 10 दिसंबर से। ठीक है जी, अगला, हेठ लिखिया विचों किहड़ा अनुच्छेद कानून दे सामने समानता अते भारत दे खेतर विच रक्षा दी गरंटी प्रदान करता है। ठीक है, कानून सामने समानता, मैं थोड़ी देर पहला ही बोलिया सी कि आपने जो पहला मौलिक अधिकार है शुरू कीता हुंदा इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून सामने समानता, हो अनुच्छेद नंबर 14। ठीक है जी, अगला, संविधान दी किहड़ी शोध अनुसार एक नवा अनुच्छेद 21A संविधान विच जोड़िया गया। थोड़ी देर पहला मैं तुहानूं दस्सिया सी कि आपां नूं 10 मौलिक कर्तव्य से अपना 11वां मौलिक कर्तव्य आया 86वीं सोध द्वारा, जिंदे च बच्चों के पेरेंट्स को यह कहा गया कि तुसी बच्चों स्कूल भेजो क्योंकि सरकार वालों फ्री एजुकेशन दी गई है। तो वह कि शोध से उस 86वीं शोध 86 यह हुई कदों 2002 सन 2002, तो यह इंप्लीमेंट कदों, मतलब कदों लागू किया गया, तो यह किया गया अप्रैल 2010 तो लागू किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 तो। भारत संविधान का किहड़ा अनुच्छेद संविधानिक उपचारां का अधिकार प्रदान करता है अते जो कि किसी भी भारतीय नागरिक नूं किसी भी विरुद्ध अपने हक्कां लई लड़ खड़े होने का अधिकार देता है। देखो अनुच्छेद नंबर 32 जिंदे च संविधानिक उपचारां बारे दिता भी, अगर कोई अपना कोई ऐसा कानून बने जिहड़ा या कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मौलिक अधिकारों की उलंघना करे तो आप उसके अगेंस्ट सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकते हैं। एक किस अनुच्छेद दिता है, अनुच्छेद 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर से क्वेश्चन आ चुके इस बारे। अगला, डॉक्टर B.R. अंबेडकर अनुसार संविधान के किहड़े अनुच्छेद नूं दिल अते आत्मा दे तौर ते जाना जाता है। यह संविधान दा दिल कह लो, संविधान दी आत्मा कह लो, मैं हुणे दस्सिया जिहड़े आपां पहला गल कीती सी अनुच्छेद 32, इहनूं संविधान दी आत्मा कहा जाता है बिकॉज ये अपने मौलिक अधिकारों नूं बचा के रखता है। ठीक है जी, जिंदे च जीवन दा अधिकार भी है, तो यह अपन बचा के रखता है। राजपाल नूं अहुदे दी सहुं कौन दिवाउंदा है, राज्यपाल अहुदे दी सहुं कौन दिवाउंदा है। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिहड़ा राज्यपाल है उहदी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो अक्सर आपां वेखदे जो नियुक्ति करता उहदे सामने सहुं खाधी जांदी, बट राज्यपाल दे केस च एवें नहीं हुंदा। मोस्टली लोगों का आंसर लिखे आना सी भारत दे राष्ट्रपति, पर इसका आंसर है संबंधित राज्यां दे उच्च अदालत दे मुख जज, जिहड़ा भी मान लो पंजाब दा अगर नवां गवर्नर हुण बनिया थोड़े दिन पहला, तो अगर उन्हें कसम खाधी होगी तो किस सामने खाधी होगी, जो पंजाब के हाई कोर्ट के जज ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज के सामने खाधी होगी। ठीक है जी, अगला, याद रखना गलती होती बड़े बार लोग राष्ट्रपति ला के आते पर आंसर क्या आना सी मुख जज उसी स्टेट की हाई कोर्ट का। ठीक है जी, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। भारतीय संविधान की किहड़ी सोध अनुसार एक राज्यपाल एक समय से एक तो वध राज्यां लई काम कर सकता है। ठीक है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बहुत बार नहीं पढ़ते लोग मिस कर जाते हैं। आंसर है 7वीं शोध 7th अमेंडमेंट। ठीक है, 7th अमेंडमेंट से ये कहा गया कि एक जड़ा राज्यपाल है वो दो राज्यों वास्ते हो सकता है। ठीक है जी, अगला, राज दे खातियां नाल संबंधित नियंत्रक अते ऑडिटर जनरल दियां रिपोर्टां लिखिया विचों किस नूं सौंपी जांदियां। अच्छा भी ये कह रहे ने, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक सी, मैंने भी समझ नहीं आया कि जेडे अपने ऑडिटर जनरल ने या अपनी रिपोर्ट किनू सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये किसे जवाब देने, ये राज्यपाल को जवाब देने। ठीक है जी, अगले, किसी भी राज दा राज्यपाल बनने लिए किन्नी उम्र चाहिए, मैं तुम थोड़ी देर पहले ही दस्या सी। ठीक, जो राष्ट्रपति है वो अपने इंडिया लैवल से राष्ट्रपति, केंद्र सरकार से राष्ट्रपति होता है, राज्य सरकार से राज्यपाल होता है। तो जो उनकी उम्र है राष्ट्रपति की किन्नी सी 35 साल, तो राज्यपाल की भी किन्नी होगी 35 साल। ठीक है जी, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय संविधान का किहड़ा भाग भारत में राज्यपाल की व्याख्या करता है, किहड़े भाग में राज्यपाल बारे दिता गया है। ठीक है, इसका आंसर है भाग 6 पार्ट 6 च राज्यपाल बारे दिता गया। पढ़ा सी आप भाग 3 किहड़ा सी मौलिक अधिकार बारे, याद है भाग 4 DPSPs बारे आएगा, भाग 4A मौलिक कर्तव्य बारे आएगा, भाग 6 किहदे बारे गल करदा है, भारतीय संविधान के राज्यपाल बारे गल करदा है। अगला, राज्यपाल दे रिहायश
घर का नाम की है, राजपाल दे रिहायश का नाम की होंदा राजभवन, उन्हें की कहा जाता है राजभवन, क्या जाता है राजभवन, ठीक है जी। तो राजपाल की रिहायश राजभवन क्या जाता है राजभवन, ठीक है जी। तो अज आप इन्ना ही करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे ने, 100 क्वेश्चन ने, आप सारे एकदम नहीं करा, फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है तो फिर बच्चों का देखने का मन नहीं करता इस करके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप सो तुम सारे जरूर पढ़ोगे, इन्हें नोट्स जरूर बनाओ, हर एक क्वेश्चन लिखो, ताकि थोड़े दिन बाद पेपर आ रहा है, कोई कॉन्स्टेबल का पेपर दे रहा है, कोई SI का दे रहा है, कोई होर एग्जाम आ रहे हैं, PSSB, PSPCL, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, सारे वास्ते बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल लई राजपाल बारे दसता है, एक्चुअली कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कि कौन से अनुच्छेद से राज्यपाल बारे लिखा हुआ है। देखो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 153, ठीक है। जो राष्ट्रपति का सी वह कहना सी 52, ठीक है। हुण आपां करना की है, जो भी राष्ट्रपति राज्यपाल दे विच फर्क किन्ना 101 का, ठीक है जी, याद रखिया जाए 101 का फर्क है। तो अगर इहदा 52 नूं 101 ऐड कर दो किन्ना बन जाए 153। जिहड़ियां भी पावरस राष्ट्रपति दी ने उह सेम पावर राज्यपाल कोल ने, ते अगर तुसीं आर्टिकल याद करने होण, मैं तुहानूं नैक्सट वीडियो 'च दस्सांगा उहदी ट्रिक की है, वी जिहड़ा राष्ट्रपति दा आर्टिकल नंबर है उहदे 'च 101 ऐड कर दो तां राज्यपाल दा आर्टिकल नंबर आ जांदा है। आपां कल करांगे जां नैक्सट टाइम जदों वी वीडियो बनाई, मैं स्पैशल शॉर्टकट वीडियोज़ बनाऊंगा, इह मेरे एक स्टूडेंट ने दसी, मैनूं बहुत वधिया लग्गिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की गल करते हैं, तो याद आ गया भी कौन से अनुच्छेद से राज्यपाल बारे दिता है, आर्टिकल नंबर 153, अनुच्छेद 153। चलो ठीक है, अगली हेठ लिखिया विचों केड़ा गवर्नर नूं उस दे अहुदे तों हटा सकता है, गवर्नर नूं उस दे अहुदे तों हटाने की ताकत किहदे कोल है। देखो राज्यपाल नूं नियुक्ति कौन देंदा, राष्ट्रपति, इस करके नूं हटा भी कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है जी। तो राष्ट्रपति गवर्नर नूं राज्यपाल नूं उस दे अहुदे तों हटा सकता है। अगला राज दा संविधानिक मुखी कौन हुंदा है, देखो दो मुखी हुंदे ने हर एक चीज़, जो मान लो आपां भारत की गल करिए, एक भारत का मुखी है, एक भारत की सरकार का मुखी, भारत का मुखी राष्ट्रपति है, भारत की सरकार का मुखी प्रधानमंत्री है, एवं राज की सरकार का मुखी हुंदा मुख्यमंत्री, पर राज का संविधानिक मुखी वह हुंदा राज्यपाल, ठीक है। संविधानिक मुखी कौन है, राज्यपाल, याद रखिया जे। अगर आ जाए सरकार का मुखी तो फिर आंसर क्या आएगा, मुख्यमंत्री, पर संविधानिक मुखी आ जाए तो राज्यपाल। अगला भारतीय राज की पहली महिला राज्यपाल कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केड़ी एहोजी पहली महिला है जो भारत की राज्यपाल बनी, ठीक है जी। ये है श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली महिला जो राज्यपाल बनी, ठीक है जी। अगला भारतीय तरजीह अनुसार राज्यपाल का दर्जा की है, इहदा मतलब है कि अगर आप देखिए ओहदा जिवें फस्ट नंबर पर कौन आता राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर कौन आता उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, तो चौथे नंबर पर कौन आता राज्यपाल, इहदा मतलब कि तरजीह अनुसार राज्यपाल का कितना दर्जा है, चौथा, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यपाल, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला किहड़े अनुच्छेद अनुसार ये दस्या गया है कि हरेक राज लई एक राज्यपाल होगा, एक किहड़े अनुच्छेद से दिता होया है कि एक राज वास्ते एक राज्यपाल होगा, ये भी कहते दिता है अनुच्छेद नंबर 153, ठीक है। आप सोध भी पढ़ी सी, सतवीं सोध जिन्हें लिखा सी भी एक राज्यपाल दो राज्यों वास्ते हो सकता है, पर इसका मतलब है कि हर एक राज वास्ते एक राज्यपाल तो होगा जरूरी है ना, चाहे वह एक राज्यपाल दो राज्यों वास्ते भी राज्यपाल बन सकता है, बट हर एक राज नूं एक राज्यपाल जरूर मिलेगा। एक कहते दिता है आर्टिकल नंबर 153 अनुच्छेद 153। अगला इन्हां विचों किहड़ा राज की अपनी उच्च अदालत नहीं है, हुण किहड़े राज की आदि उच्च अदालत नहीं, आपां ये दसना है, ठीक है। तो इहदा आंसर है नागालैंड, नागालैंड की आदि उच्च अदालत नहीं है, ठीक है जी, ठीक है जी, नागालैंड की आदि उच्च अदालत नहीं है। अगला लक्षद्वीप का कानूनी अधिकार खेतर किस अधीन आता है, देखो लक्षद्वीप भारत के इस साइड, देखो आ भारत हो गया साउथ इंडिया, आ श्रीलंका हो गया, इतने इधर आंदा लक्षद्वीप, इधर आंदा अंडेमान निकोबार, तो जो लक्षद्वीप है उन्हें आंदा केरला च, अंडेमान निकोबार का कितने आंदा वेस्ट बंगाल साइड, ठीक है, इहदा आंदा केरला च,
ठीक है, तो आंसर क्या होएगा, इतने कोई भी ऑप्शन देता नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो लक्षद्वीप का कानूनी अधिकार केड़ा है, केरला, लिख लिया जी सारे जरूर, नाल नोट्स बना लिया जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी एग्जाम से आ चुका है। तो अगर आवे कि अंडेमान निकोबार का कितने है, तो अंडेमान निकोबार का कितने है, अंडेमान निकोबार का है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी, याद रखना है वेस्ट बंगाल। अगला संघी अदालत किस द्वारा स्थापित की गई, देखो संघी अदालत केड़े एक्ट द्वारा स्थापित गई, सही क्वेश्चन इस तरह, ठीक है, एंड द आंसर आएगा भारतीय सरकारी सरकार एक्ट 1935, भारतीय सरकार एक्ट 1935, ठीक है जी। संघीय अदालत किस द्वारा स्थापित की गई, भारतीय सरकारी एक्ट 1935, ठीक है, एक किसी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखा जी। अगला उच्च अदालत दे जज दा ओहदा संभालने लई वध तो वध किन्नी उम्र होनी चाहिए, या ये कह लो कि आप किस उम्र से रिटायरमेंट होंगी, सही सवाल ये बनना चाहिए, किन्ने साल की उम्र से उच्च अदालत दे जज रिटायर हो जाते हैं, तो आंसर आएगा 62 साल की उम्र से रिटायर हो जाते हैं, ठीक है जी, 62 साल की उम्र से रिटायर हो जाते हैं। अगर आता सुप्रीम कोर्ट तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, फिर आंसर आना सी 65 साल की उम्र, ठीक है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट लिखा सर्वोच्च अदालत लिखा होंगे तो, ठीक है जी। अगला केड़े राज दियां सब तो वध जिला अदालतां ने, देखो जिथे बहुत ज़्यादा जनता होंगी, जिथे बहुत ज़्यादा केस होंगे ने, तो एरिया भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इन्हें सारे चो सही आंसर बनता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सब नाल ज़्यादा जिला अदालत हैं, ठीक है, जिड़ियाँ उच्च अदालत तो थले आदि हाई कोर्ट थले सैशन कोर्ट्स, उन्होंने जिला अदालत कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सैशन कोर्ट, तो सब नाल ज़्यादा जिला अदालत कि उत्तर प्रदेश दी। अगला सवाल हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति विचों कौन हिस्सेदार नहीं होंगे, जि कि हाई कोर्ट के जो जज की नियुक्ति की जाती है उदो कौन हिस्सेदार नहीं होंगे, मतलब किसकी सलाह नहीं ली जाती, तो देखो एक गल याद रखे जे, राजपाल का भी पूरा, क्योंकि राजपाल एक ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का ना किसी सरकार का राजपाल तो नहीं होंगे, ना ही हाई कोर्ट का जज किसी भी सरकार का होंदा, तो ना ही राष्ट्रपति, तो न्यायपालिका से कदे भी कोई यहोजे बंदे का हथ नहीं होंदा जिहड़ी किसी पार्टी ना बिलोंग करता हो, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, राज का मुख्यमंत्री, मतलब राज दे मुख्यमंत्री का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होंदी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, ठीक है जी, एवें सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति प्रधानमंत्री की कोई हिस्सेदारी नहीं होंदी, ठीक है जी, एक गल याद रखिया जी, कभी भी किसी पार्टी नहीं आ सकता। एक बार एक अमेंडमेंट भी हुई सी जिंदे चे उन्होंने कुछ मिनिस्टर्स नू इनकलूड किया सी जजां दी नियुक्ति वास्ते, फिर बाद चो उन्हूं शोध कर दिता गया सी, न्यायपालिका एक अलग है, मतलब उनका विधान पालिका ते कारज पालिका का कोई हक नहीं होंदा उहदे विच, ठीक है जी, वह अलग होंदी सारे तो। अगला भारत में किन्नियां उच्च अदालतां हन, ठीक है जी, ये बदलती रहे, वैसे पहले 24 हुण 25 हो गया ने, तो भारत में किन्नियां उच्च अदालतां ने 25, ठीक है, लेटेस्ट तेलंगाना ते हैदराबाद वाली बनी, ठीक है जी, अगे कर दें 2013 च बनिया सी तीन अदालत जो अपनी त्रिपुरा वाली साउथ जी सैवन सिस्टर्स ने उस साइड वाली। अगला जेकर एक राज नीति निर्देशक सिद्धांतों नू लागू करन विच असफल रहिंदा है तो एक नागरिक केड़ी अदालत विच जा के इन्हां नू लागू करन लई पटीशन दायर कर सकदा है। देखो एक क्वेश्चन का बड़ा सिंपल जिहा मतलब है, देखो कि कदे भी कोई आप अगर मौलिक अधिकार की उलंघना करिए तो आप कोर्ट से जा सकते हैं, बट अगर मैं मौलिक कर्तव्य नहीं करिए, मौलिक कर्तव्य ना ला मतलब इंप्लीमेंट करिए, जिम्मे मान लो आप सज्जे पास तुरना खब्बे पास तुरीए ये थोड़ा बहुत गंदी कर दी तो अपन को जेल से थोड़ा पा देगा। इस तरह जे आप जे राज निर्देशक सिद्धांत वो नहीं अगर फॉलो करते तो आप किसी हाई कोर्ट या किसी उच्च अदालत से नहीं जा सकते, ठीक है, आप किसी अदालत से नहीं जा सकते उस करके, ठीक है जी, समझ आ गया, तो कोई अदालत नहीं है आंसर आएगा। अगला अगला केरल अते लक्षद्वीप दी उच्च अदालत किथे स्थित है, देखो मैं तुहानू हुणे दस्या सी केरल अते लक्षद्वीप दी उच्च अदालत सांझी है, तो इहदा आंसर है केरल च है उच्च अदालत, तो इहदा आंसर है कोची, ओहो सॉरी इन आंसर है कोची, ठीक है जी। अगला सवाल कर दें केड़े तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने जज नू दोषी मनिया जा सकता है,
ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ ਅਯੋਗਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਆ ਆਏਗਾ? ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ। ਅਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਗਲਾ, ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 226। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 226। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 226 ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਨੁਛੇਦ 226। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 1862 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਾਦ, ਕੈਲਕਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਂਬੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੈਲਕਟਾ ਵਾਲਾ 1862 ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ? ਭਾਗ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 2016 ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ? ਇਹ 2016। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੜ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਖਰੜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7 ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖਰੜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ,
भारतीय संविधान की सभा का पहला सैशन कितने होया? देखो जो भारत संविधान की सभा से उनका पहला सैशन होया नवी दिल्ली में, ठीक है, जी संविधान सभा बनी सी जिंद ने सारा संविधान का निर्माण किया उन्होंने पहला सैशन कितने होया? उन्होंने पहला सैशन होया न्यू दिल्ली नवी दिल्ली च। अगला, हेठ लिखिया कौन जुलाई 1946 में स्थापित की गई संविधान सभा का मैंबर नहीं सी? जो जुलाई 1946 संविधान सभा का निर्माण होया उस टाइम इन्हों चो कि मैंबर नहीं सी, ठीक है, इन्हों महात्मा गांधी उस टाइम उस संविधान सभा के मैंबर नहीं सन, ठीक है जी। आंसर क्या आएगा? महात्मा गांधी। अगला, हेठ लिखिया केड़ी कमेटी की प्रधानगी जवाहर लाल नहरू द्वारा संविधानिक विधानसभा द्वारा की गई? कि पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने केड़ी कमेटी की प्रधानगी की सी? इहदा आंसर है यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। ये वैसे इन्ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर आ गया तो आप कर लें। यूनियन पावर कमेटी के हेड सी, ठीक है जी। अगला, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के कुल किन्ने मैंबर सन? मैं हमने तुम्हें दसिया खरड़ कमेटी के मैंबर किन्ने सी? 7 मैंबर सन, ठीक है जी। ये सी अपने नैक्सट 30 क्वेश्चन, जो आप पहला 30 क्वेश्चन किए उस सीरीज़ का अगला 30 पार्ट। अज आप उच्च अदालत बारे मोस्टली क्वेश्चन किए, तो आप संविधान का निर्माण नाल आप संविधान के निर्माण बारे थोड़े जे सवाल किए, ठीक है जी। इन्हें आप सारी पॉलिटिक कवर कर लाँगे, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। किसने भारत की संविधान सभा उद्घाटन मीटिंग की प्रवानगी की या प्रधानगी की? देखो अपने दो प्रधान से, एक स्थाई एक अस्थाई। जेडे अस्थाई प्रधान से वह से अपने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये अपने 9 तरीक बने से, 9 तो लैके 11 तरीक तक। तो अपने से जेडे स्थाई प्रधान से डॉक्टर रजिंदर प्रसाद, ये कदों बने? 11 तो लैके 13 तरीक, सॉरी 11 तरीक तो बाद अपने स्थाई प्रधान रहे। बट इन दिक्कत की होंगी है, कई लोग कहते हैं डॉक्टर रजिंदर प्रसाद 13 तरीक न, किन्नी तरीक न? 13 तरीक न बने से। बट एक गलत गल है, वो 11 तरीक न बन गए से। 11 तरीक न उन्होंने उन्होंने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने अपनी प्रधानगी छड़ती सी, ते डॉक्टर रजिंदर प्रसाद को 11 दिसंबर को इन्होंने प्रधान बना दिता गया सी। तो अगर सवाल आए डॉक्टर रजिंदर प्रसाद कदों बने से, तो 11 तरीक न। अगर ये आवे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कदों बने से, तो 9 तो 11, पर 11 न चुने गए से डॉक्टर रजिंदर प्रसाद, पर काम इन्होंने 13 तरीक तो शुरू किया, 13 दिसंबर 1946, ठीक है जी। अगे गल करते हैं, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? देखो इतिहास प्रस्तावना इन कहा जाता सी पहला, इंदा ये 13 तरीक न रखी गई सी, 13 दिसंबर 1946 किसने रखा सी? रखा सी डॉक्टर या लिख लो या कह लो जवाहर लाल नहरू, सॉरी डॉक्टर नहीं कहना चाहिए क्योंकि आई डोंट नो डॉक्टर है सी कि नहीं, बट इन्हों का आंसर जवाहर लाल नहरू जी ने रखा सी, ठीक है जी। प्रस्तावना जवाहर लाल नहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 फस्ट जॉइंट सैशन च रखा सी। अगर पूछे जाए फस्ट मीटिंग कदों हुई सी, तो 9 दिसंबर को, फस्ट सैशन कदों होया सी, तो 13 दिसंबर को। तो अगर ये तीसरा दिन सी, एक मिले से 9 तरीक न, एक मिले से 11 तरीक न, एक मिले से 13 तरीक न। पहली मीटिंग हुई सी 9 तरीक न, तो पहला सैशन होया सी 13 तरीक, ठीक है जी। तो पहले सैशन से जवाहर लाल नहरू जी ने प्रस्तावना रखी सी। अगला, भारतीय संविधान को कदों लागू किया गया? देखो भारतीय संविधान तैयार हो गया सी 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 लाग ये तैयार हो गया सी 26 दिसंबर, बट जिहड़ा कंप्लीट संविधान लागू कदों किया गया? 26 जनवरी 1950, ठीक है जी। कुछ आर्टिकल सी जिहड़े 26 दिसंबर 1949 होए सी, आर्टिकल नंबर 5, 6, 9 कुछ होर सी, 306, 372 कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद है जैसी जिहड़े 26 जनवरी 1949 नूं लागू कर दिए गए सी, पर पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 नूं लागू किया गया। अगला, संविधान सभा द्वारा किस दिन राष्ट्रगान नूं अपनाया गया? देखो संविधान सभा द्वारा जिहड़ा राष्ट्रगान सी उह 24 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन संविधान लागू होया सी उस तों 2 दिन पहला राष्ट्रगान नूं स्वीकार कर लिया गया सी या उस नूं मान्यता प्राप्त कर दी गई सी, ठीक है, अपनाया गया सी। अगला, भारत का संविधान किस भाषा में तैयार किया गया? देखो भारत का संविधान जो अपने अंग्रेज गए थे, तो ओबियसली गल है जी अपनी मेन भाषा से ऑफिशियल भाषा कौन सी? अंग्रेजी। इस करके अपना संविधान ही पहला किस भाषा से रखा गया? अंग्रेजी। इस करके ना नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़िया, जिन्होंने बाद खरड़ कमेटी का नाम दिता, आर्टिकल्स कहने जिन्होंने अनुच्छेद कहने,
ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਐਜ ਅ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰਡੋਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਆਏ, ਉਹ ਚਲੋ ਡਿਟੇਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਭੂਗੋਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਨ ਮਨ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੋਨੋਂ ਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ, 1 and 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ? ਜਨਗਨ ਮਨ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਅਗਲਾ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ? ਦੇਖੋ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 395 ਛੇਦ ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ 460+ ਨੇ, 467 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 396 ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, 397 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ, ਉਹ 395 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ 51 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ABCD ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹਜੇ ਵੀ 395 ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 11 ਦਸੰਬਰ 1946। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ MCQ 'ਚ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਟੋਪ ਫਸਟ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਮ ਨੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 35 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 35 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਦਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 67%, ਬਟ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 51% ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 67%, ਮਤਲਬ 2/3, ਮਤਲਬ 2/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1/2, ਮਤਲਬ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 1/2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ 51% ਵੋਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 67%, ਮਤਲਬ 2/3, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਣਦਾ? ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ। ਕੌਣ ਚੁਣਦਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਤਲਬ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ? ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ। ਬਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਚ ਨਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ,
ठीक है, जिस तरह चुनिया जाता है। भारत संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना लाजमी है या जरूरी है? देखो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 63। एक होर गल, कोशिश ये करया करो जो मैं कोई MCQ कराना तुम उन्हें नोट्स बनाओ आज टेस्ट लो ताकि तुम्हें पता लगे तेरे किन्ने मार्क्स आते हैं। तुम आंसर ना लिखी जाओ तो चैक करो एट द एंड भी साढ़े किन्ने मार्क्स आते हैं। जो टेस्ट देने तो मैं पता लगता। देखो इंसान को आदि असली औकात पता लगती टेस्ट देख, ठीक है, तो तुम चैक कर सकते हो तुम कितने स्टैंड करते हो, तो कि चीज़ वीक है कि चीज़ गलत ऑप्शन ला रहे हो, तो तुम अगर नैगेटिव मार्किंग तो बच सकते हो। अजक नॉर्मलाइजेशन होंगी है, नैगेटिव मार्किंग घट तो जो ताकि घट होगी नॉर्मलाइजेशन से तुम्हें फायदा होगा। यह सब चीज़ा टैस देकर पता लगदिया ने, ठीक है। अगे भारत के उपराष्ट्रपति की किस स्थिति में राष्ट्रपति ड्यूटियां निभाता है? देखो जो राष्ट्रपति की मौत हो जाए उदों भी वह निभा, जो अस्तीफा दे फिर भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है, जो राष्ट्रपति बीमार हो जाए उदों भी करता है। इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सारे। इसका मतलब है जिस टाइम अगर अपना राष्ट्रपति बीमार हो जाए या इस्तीफा दे या उनकी मौत हो जाए, ठीक है, या वो गैर हाजिर किसी काम चला जाए, हर केस से जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति का सारा काम संभालता है उस टाइम। बट वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहता, मतलब राज्यसभा के स्पीकर का या चेयरमैन का काम वो नहीं करता, उस टाइम डिप्टी चेयरमैन करता है, ठीक है जी। आगे करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी बार चुनिया जा सकता है? देखो अगर पूछा जाता अमेरिका के राष्ट्रपति को कितनी बार चुने जाता तो आंसर आना चाहिए 2 बारी। अगर आता इंडिया का राष्ट्रपति कितनी बारी बन सकता आदमी? जिन्नी बार मर्जी, मतलब इसका आंसर है इनफाइनाइट। तो ऐसे पूछा उपराष्ट्रपति वो भी कितनी बारी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है जिन्नी बार मर्जी, मतलब इसकी कोई हद नहीं है। इंडिया से राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी इनफाइनाइट टाइम बन सकते हैं तो उपराष्ट्रपति भी इनफाइनाइट। बट अमेरिका से सिर्फ 2 बारी बनाया जा सकता, जिम्मे बराक ओबामा 2 बारी बने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोई हद नहीं। हेठ लिखियां विचों कौन लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का अहुदा संभालिया या किसने 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का अहुदा संभालिया? देखो इसका आंसर है डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने 2 बारी उपराष्ट्रपति का अहुदा संभालिया। अगला, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की चोन के बारे दसाया गया है? ठीक है, यह दिता गया है अनुच्छेद नंबर 66 विच, उस दे चोन बारे भी किस तरह चुनिया जाएगा। पढ़े से इलैक्टोरल कॉलेज जिंदे चे आता है लोक सभा ते राज्यसभा, ठीक है जी। चलो अज्ज लास्ट क्वेश्चन, भारत दे दूजे उपराष्ट्रपति कौन सी? देखो ये थोड़ा कॉन्ट्रवर्शियल क्वेश्चन तुम समझाना। देखो जेड़े अपने पहले उपराष्ट्रपति वो बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, वो रहे 1952 तो 1957, फिर 57 तो लैके 62 वो भी कौन रहे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर उस तो बाद 62 तो बाद कौन बने? उस तो बाद जो 62 तो बाद बने वो अपने दूसरे ने वो बने ने डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अगर पूछा जाए मतलब नाम वाइज पूछिए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 10 साल उन्होंने सर्व किया, उस तो बाद बने डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आंसर क्या आएगा? ओ सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या श्री डॉक्टर जाकिर हुसैन बेटर आंसर है, श्री नहीं लाना चाहिए इतने क्योंकि डॉक्टर सी। इसका आंसर आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो दूजी बारी बने। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बारी बने सी, फर्स्ट टाइम भी थे सैकेंड टाइम। लोकसभा का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट किन्नी उम्र चाहिदी है? देखो लोकसभा का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट 25 साल उम्र चाहिदी है। किन्नी उम्र चाहिदी है? 25 साल उम्र चाहिदी, ठीक है जी। तो लोकसभा का मैंबर कौन होंगे ने? MP होंगे ने, तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, ठीक है, तो उन्होंने वास्ते 25 साल। बट कुछ मैंबर राज्यसभा से जाते हैं उन्होंने वास्ते उम्र कितनी होंगी है? उन्होंने वास्ते उम्र होंगी है 30 साल, ठीक है, समझ आ गए जी। लोकसभा वास्ते 25 साल, राज्यसभा वास्ते 30 साल। अगे करते हैं, हेठ लिखियां विचों केड़ा संसद का सैशन नहीं है? सर्दियों का सैशन, गर्मियों का सैशन, बजट सैशन के मानसून का सैशन? तो इसका आंसर है गर्मिया का सैशन। इस तरह का कोई सैशन नहीं होंदा संसद का, ठीक है जी। अगला, भारतीय संसद प्रणाली किस देश विचों लिया गया है? देखो याद रखा दे जिहड़ा भारतीय संसद प्रणाली वो आपां UK तो लईए। कितों लईए? आपां UK तो लईए। जिवें
इंडिया च भी तीन होंगे ने, एक होंगे टॉप होंगे प्रेजिडेंट, उस तो थले लोकसभा ते फिर राज्यसभा, मतलब दो हाउस होंगे ने ते एक प्रेजिडेंट होंगे। एवें ही इंग्लैंड विच टॉप ते क्राउन है मतलब राणी, उस थले दो हाउस होंगे ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ते हाउस ऑफ शायद एक होर हाउस है, मतलब दो हाउस ने उन्होंने, तो उन्होंने भी सेम प्रणाली है, मतलब उन्होंने थले दो हाउस ने ते उपर एक राष्ट्रपति। एवें अपने भी मतलब इंग्लैंड से दो हाउस तो उपर क्राउन, अपने लोकसभा राज्यसभा उपर प्रेजिडेंट। ठीक है, तो आप कितों लईए, यूके तो इंग्लैंड तो। अगली, किहड़े साल विच राज्यसभा ते लोकसभा दोवें सदना ने हिंदी शब्द अपनाए सी, किहड़े साल विच जिहड़े लोकसभा ते राज्यसभा है दोवां ने ही हिंदी शब्द अपनाए सी, तो उन्होंने 1954 विच 1954 विच हिंदी शब्द अपनाए सी। ठीक है जी, ये जरूर याद रख लिया जी। भारत विच पहला लोकसभा कदों बुलाई गई, ठीक है, तो भारत विच जिहड़ी पहली लोकसभा सी, जिहड़ी भारत विच पहली बार लोकसभा 1952 विच 1952 1952 विच बुलाई गई सी। ठीक है जी, अगे राष्ट्रपति हाउस का पुराना नाम की सी। देखो राष्ट्रपति हाउस नूं पहलां वॉइसरे हाउस कहा जाता, बिकॉज पहला वॉइसरे हुंदा सी, उस तो बाद ही अपना राष्ट्रपति बनया, जदों आपां गुलाम सी उस टाइम वॉइसरे हुंदा सी, इंडिया का वॉइसरे, तो उसनूं वॉइसरे हाउस कहा जाता सी। ठीक है जी, अगे संसद के दो सैशन अधिकतम आज्ञाकारी अंतर किन्ना हो सकता है, मतलब दो विच किन्ना फर्क हो सकता है दो सैशन दे विच, वध तो वध तां 6 महीने दे अंदर, वध तो वध 6 महीने तो ज़्यादा अंतर्गत दे अंदर उन्होंने एक होर सैशन बुलाना पैंदा है, इस करके मैक्सिमम किन्ना हो सकता है 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है दो लोकसभा दे या दो संसद दे सैशन दा। ठीक है जी, अगला संसद विच 0 घंटा 0 आवर, ठीक है, 0 आवर, 0 आवर किन्ने बजे शुरू होंदा है, 0 आवर शुरू होंदा है 12 बजे। ठीक है, 12 बजे दोपहर के 12 बजे, जिन्हों पर सवेर के 12 बजे भी कह सकते हैं 12 नून, तो उस टाइम की स्टार्ट होंदा है, उस टाइम 0 आवर स्टार्ट होंदा है। अगला लोकसभा एक साल विच किन्ने सैशन बुला सकती है, लोकसभा एक साल च 3 सैशन बुला सकती है, लोकसभा एक साल च 3 सैशन बुला सकती है जी। अगला लोकसभा का पिता किसनों मनिया जाता है, तो लोकसभा का पिता वी मावलंकर, ठीक है जी, वी मावलंकर नूं मनिया जाता है जी, वी मावलंकर। ठीक है जी, अगला किस शोध करके वोट पाउण की उम्र 21 साल तो घट के 18 साल की गई, ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहला तुहाडे पंजाब एग्जाम च भी आ चुका है, तो 61वीं शोध हुई सी उन्दे च अपनी पहला अपनी उम्र होंदी सी 21 साल, जदों अपना भारत आजाद होया सी पहली बारी इलैक्शन होए सी 1952 विच, तां 21 साल वाले बंदे ही 21 साल तो वध वाले बंदे ही वोट पास करदे सी, पर ओह हुण उम्र घटा के किन्नी करती 18 साल 61वीं शोध च। ठीक है जी, अगला राज्यसभा दा वध तो वध किन्ना समा हो सकता, मतलब एक क्वेश्चन ये गलत है थोड़ा पुछना चाहिए सी, राज्यसभा दा कार्यकाल किन्ना हो सकता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल किन्ना हो सकता है 6 साल, मैं तुम्हें पिछला दसा, देखो राज्यसभा के जिहड़े मैंबरस ने उन्हां दा कार्यकाल पुछना चाहिए सी 6 साल है, मैं तुम्हें दसिया सी जिहड़ा लोकसभा दे ने उन्हां दा किन्ना हुंदा है 5 साल, वो एक अस्थाई सदन है मतलब जिहड़ा टुट सकदा है, बट जिहड़ी राज्यसभा है वो एक किहड़ा स्थाई सदन है, इस करके उन्हां दा किन्ना हुंदा है 6 साल, एंदे हर 2 साल बाद एक तिहाई मैंबर रिटायर हो जांदे ने। ठीक है, तो समझो एक तिहाई मैंबर दोहर 2 साल बाद करो तो टोटल किन्ने मैंबर 6 साल रिप्लेस हो जाएंगे, सारे दे सारे मैंबर रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हर 6 साल बाद राज्यसभा का मैंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है जी, अगला लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर वजों किसनों जाने जाता है, जो लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वह स्पीकर जाने जाता है, किनू कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। ठीक है जी, अगला किहड़े देश का संविधान अलिखित है, देखो इंडिया का संविधान लिखित है, USA का लिखित है। ठीक है जी, तो अलिखित कहता है इतने UK का संविधान, ब्रिटेन अमेरिका का संविधान की है अलिखित संविधान मनिया गया, अलिखित संविधान ब्रिट। ठीक है, इसका आंसर क्या है, UK, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है जी,
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ? USA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, USA ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, UK ਦੇ ਮੋਨਾਰਕ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈਏ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੋਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪ 'ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਊਨ ਮਤਲਬ ਰਾਣੀ। ਤਾਂ UK ਦਾ ਮੋਨਾਰਕ ਮਤਲਬ ਕਰਾਊਨ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਊਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ UK ਦਾ ਮੋਨਾਰਕ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਵਾਰ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ? ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 72। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 7 ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 2 ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? 72। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ 72। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਅਗਲਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, 2 ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅਗਰ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਜਪਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਅਗਲਾ, ਵੀਟੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਟੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਜਿਤ, ਵਰਜਿਤ ਮਤਲਬ ਮਨਾਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੋਕਿਟ ਵੀਟੋ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੀਟੋ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀਟੋ, ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਵੀਟੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਜਿਤ, ਮਤਲਬ ਮਨਾਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ? 12 ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 250 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ 238 ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ? 250। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 35 ਸਾਲ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ 35 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 25 ਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 25 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਬਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 35 ਸਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਆਂਸਰ ਕਿਆ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1962 ਤੱਕ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 90ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਆਪਣੇ 14th ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਰਾਮ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ 90ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
कौन भारत का पहला वोटर अते पहला नागरिक दे वजह जाने आता। देखो पहला वोटर नहीं भी पता तो दिक्कत वाली गल नहीं, पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। इस करके पहला वोटर भी कौन होएगा? राष्ट्रपति। तो आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति अपने पहले वोटर अते पहले नागरिक ने। अगला, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कदों चुने गए? ये 24 जनवरी 1950 चुने गए सी। अपना संविधान लागू कदों होया सी? 26 जनवरी 1950 पर चुने कदों गए सी? 24 जनवरी 1950। याद रखना है, दिक्कत बड़े बच्चों का आंसर 26 जनवरी लाएंगे पर आंसर आएगा 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के किहड़े भाग में भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है? भाग नंबर 5 च राष्ट्रपति बारे दिता है, 6 च राज्यपाल बारे दिता है। ठीक है, अगर 3 किहदे बचे है तो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों बारे, 4 आ जाए तो DPSP मतलब राज्य के निर्देशक सिद्धांत, तो अगर 5 आ जाए तो राष्ट्रपति मतलब प्रेजिडेंट, तो अगर 6 आ जाए तो राज्यपाल जिन्हों आप कहने गवर्नर। ठीक है जी, चलो अगला, श्री नरेंद्र मोदी भारत के किन्ने प्रधानमंत्री हैं? जिहड़े अपने नरेंद्र मोदी ने ये भारत के किन्ने प्रधानमंत्री ने? ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री ने। किन्ने प्रधानमंत्री ने? 15वें प्रधानमंत्री ने, 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला, हेठ लिखिया विच्चों केड़ा एक अनुच्छेद प्रधानमंत्री अते होर मंत्रियों की नियुक्ति बारे दसदा है? हुण केड़े अनुच्छेद छे जो अपने प्रधानमंत्री अते होर मंत्रियों की नियुक्ति बारे दिता होया है? ठीक है जी, ये अनुच्छेद नंबर 75 आर्टिकल 75 च दिता है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका गलत आंसर है 5 साल, जो अक्सर लोग सोच रहे होंगे। इनका सही आंसर है अनिश्चित समय। जिन्नी देर तक प्रधानमंत्री लोकसभा च आदि बहुमत साबित करेगा उन्नी देर तक प्रधानमंत्री बन के रहेगा, जदों इनकी बहुमत खत्म होगी इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, तो यह 0 तो लैके जिंदर मर्जी रह सकता है। जिमें अपने मोदी जी ने 7-8 साल हो गए ने, इस करके इन्हों का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 5 साल एक बार च होता, उस तो बाद अगे भी जा सकता है, तो 1 साल च भी खत्म हो सकता है, 2 साल च भी, 3 साल च भी, जो मर्जी, जो उस बंदे का बहुमत साबित नहीं कर पाएगा उदों प्रधानमंत्री के पद तो हटना पेगा। आंसर ही आएगा अनिश्चित, आंसर क्या आएगा? अनिश्चित, यह आंसर नहीं है। अगला, किहड़े प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिता? किहड़े प्रधानमंत्री ने जय जवान जय जय जवान जय किसान का नारा दिता? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर सारे ने याद करना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, किहड़े प्रधानमंत्री ने जन्मदिन नू 10 भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बड़े लोगों को पता नहीं होगा, इसका आंसर है श्री राजीव गांधी जी के जन्मदिन नू 10 भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला, हेठ लिखिया विच्चों किसी एक द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अपन पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन देखने की लोड़ ही नहीं, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगे, भारत का सब तो लंबे समय का कार्यकाल केड़ा प्रधानमंत्री रहा? तो इन आंसर है डॉक्टर जवाहर लाल नहरू या श्री जवाहर लाल नहरू जी 10 साल रही प्रधानमंत्री रहे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अगला, प्रधानमंत्री की अधिकारित रिहायश केड़ी है? जो अपने हुण नरेंद्र मोदी ने, वैसे प्रधानमंत्री का जो गवर्नमेंट घर है वो केड़ा है? वह लोक कल्याण मार्ग से बनया दिल्ली से। ठीक है, मैट्रो पर जाओगे तो रस्ते जाएगा लोक कल्याण मार्ग। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नूं सौं कौन दिंदा है, कौन खवांदा है? प्रधानमंत्री नूं सौं कौन दवांदा है? भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्त भी वो करता है तो उनके सामने कसम खाधी जाती है। अगला, अज तक किन्ने प्रधानमंत्रियों नूं भारत रत्न नाल सम्मानित किया जा चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अज तक किन्ने प्रधानमंत्री ने जिन्हों भारत रत्न नाल सम्मानित किया जा चुका है? इनका आंसर है 7 प्रधानमंत्री ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना जरूर सारे ने। अगला, प्रस्तावना की भाषा किस देश विच लई गई? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया तो लई गई है, कितों लई गई है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया तो लई गई है प्रस्तावना की भाषा, मतलब जो आप लिखने वी द पीपल ऑफ इंडिया सारा लिखने, असी भारत के नागरिक, इस सारी भाषा कितों लई गई है? ये आप ऑस्ट्रेलिया तो लई है। धर्म निरपेख का असल मतलब की है? धर्म निरपेख का असल मतलब की है?
इहदा असल मसला है, मतलब है सरकार दी नज़रां विच सारे धर्म बराबर हैं, ठीक है ना, धर्म निरपेक्षता थर्ड ऑप्शन है, सरकार दी नज़रां विच सारे धर्म बराबर हैं। ठीक है जी, अगला, अज तक किन्नी वार भारत संविधान, गलत क्वेश्चन आएगा, अज तक किन्नी वार भारत की प्रस्तावना, इतने संविधान नहीं आना, इतने क्या आना है, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना में शोध किया जा चुका है, तो सिर्फ एक बार, कदों किया गया सी, 1976 में, अमेंडमेंट सी 42nd अमेंडमेंट, क्यों किया गया सी, केशव चंदा केस जिदे से यह साबित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो संविधान से शोध कर सकते आप अंडर अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 दे हेठ आप संविधान से शोध कर सकते हैं, तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बन गई सी, इस करके प्रस्तावना से भी शोध किया जा सकता है। तीन नवे अक्षर ऐड किए गए सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ते राष्ट्र की अखंडता। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रभुसत्ता किस विच है, देखो इन आंसर आएगा प्रभुसत्ता, भारत की प्रभुसत्ता किस विच है, भारत के लोगों में। ठीक है, भारत की प्रभुसत्ता किस विच है, भारत के लोगों में। अगला, किहड़ा एक उद्देश भारत की संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, इन्हां चों किहड़ी चीज़ है जिहड़ी भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, वह है आर्थिक आज़ादी बारे कुछ नहीं दिता आया प्रस्तावना में। ठीक है जी, आर्थिक आज़ादी बारे कुछ नहीं दिता प्रस्तावना में। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द शामिल नहीं है, इन्दे च देखो ऑप्शन थोड़ी गलत मैं दस देना, प्रभुसत्ता बारे दिता है, समाजवाद बारे दिता है, लोकतंत्रता बारे दिता है। ठीक है, ये तीन शब्द तो है, ठीक है, भारत शब्द है, भारतीय शब्द नहीं है वैसे, बट ये ना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनया, कोई होर ऑप्शन होना चाहिए सी, भारतीय वर्ड सही नहीं है, बट अत उपर वाले तीन शब्द तो तुम प्रस्तावना से मिल जाएंगे। अगला, हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द, एक क्वेश्चन हो चुका है वैसे, अलग वर्ड है सुन लो वैसे भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला, हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, देखो भारत की समानता बारे शब्द है, आज़ादी शब्द भी है, न्याय शब्द भी है, ठीक है, इक्वैलिटी भी है, फ्रीडम भी है, न्याय मतलब जस्टिस, ठीक है, इसका मतलब है इक्वैलिटी, इसका मतलब फ्रीडम, इसका मतलब जस्टिस, तीनों वर्ड है, एक गौरव शब्द नहीं दिता हुआ। ठीक है, इसका आंसर आएगा गौरव। अगला अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना विच आज़ादी, समानता और भाईचारे के आदर्श नु किहड़े देश के संविधान विचों लिया गया है, कि जिहड़ी समानता ते भाईचारे दे आदर्श आपां किहड़े देश तो लए ने, इह आपां लए ने फ्रेंच संविधान तो लए, फ्रेंच संविधान तो। ठीक है जी, अगला, धर्म निरपेक्ष शब्द की दर्शाउंदा है, धर्म निरपेक्ष आपां थोड़ी देर पहले ही कीता, धर्म निरपेक्ष की दर्शाउंदा है, धर्म की आज़ादी अते सारे धर्मां की पूजा, मतलब सारे नूं धर्म दी आज़ादी, आपां कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अगला, किहड़ा पहला देश है जिसने अपनी लिखित संविधान लई प्रस्तावना नूं स्वीकार किया। ठीक है, लिखित संविधान देखो कैनेडा का भी लिखित संविधान है, यूएसए का भी है, यूके का तो है ही नहीं, इजराइल बारे आई डोंट नो। ठीक है, उन्होंने क्या प्रस्तावना स्वीकार किया, वह आएगा यूएसए ने, यूएसए ने की किया प्रस्तावना स्वीकार किया सब ना पहला। ठीक है जी, प्रीएम्बल यूएसए च गया पहला। प्रस्तावना विच असी शब्द का की अर्थ है, देखो इन ये सारे ऑप्शन गलत ने, देखो असी का मतलब है भारत के लोग, आप कहने वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिखने वी, हम वी का मतलब इतने असी है, वी कि वास्ते है भारत के लोगों वास्ते, कहते वास्ते है भारत के लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना में असी शब्द कहते वास्ते वरत्या गया भारत के लोगों लिए। अगला, किस केस विच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, देखो 1962 से बेरूवाड़ी केस होया, बेरूवाड़ी केस से यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, फिर केशव चंदा केस होया, केशव चंदा केस से यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, कहना आंसर क्या आएगा, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा केड़े केस से आया, केशव चंदा केस, एक 1995 से LIC केस होया सी दिन जिसे यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, बेरूवाड़ी केस से कहा गया हिस्सा नहीं है, केशव चंदा केस से क्या गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो LIC इंडिया केस 1995 होया से उन्हें क्या गया सी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है जी, उस तो बाद सॉरी ये थोड़े क्वेश्चन मिस्टेक है, आप अगे करते हैं लास्ट क्वेश्चन, सीधा
भारतीय संविधान की 42वीं शोध विच प्रस्तावना संबंधी की जोड़िया गया तो मैं तुम दस्या सी तीन अक्षर जोड़े गए सी समाजवादी धर्म निरपेक्ष ते राष्ट्र की अखंडता तो आंसर आएगा फस्ट ऑप्शन ते सैकेंड ऑप्शन मतलब आंसर है फोर्थ एक अते दो दोनों ये सारे पॉलिटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन 135 क्वेश्चन की तुम पूरी प्लेलिस्ट इकट्ठी मर्ज करके भी पा दाँगा ये क्वेश्चन कर लोगे इस तो बाहर क्वेश्चन बनने चांस बहुत घट ने फिर मैं कोशिश कराँगा होर क्वेश्चन तुहाडे थोड़े सिंपल ये तो थोड़े अच्छे लैवल से थोड़े बेसिक लैवल के क्वेश्चन होर लैके आऊँगा एक सीरीज होर बनाऊँगा उस तो बाद ठीक है जी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स होप अगर तुम मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ओके जी बाय।